फ्रेंड्स, मैं हूं भूषण, स्वागत करता हूं हमारे चैनल केबीज बायोलॉजी में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जिंक फिंगर मोटिफ के बारे में। तो हमने इसके जो पहली वाली वीडियो है उसमें ल्यूसिन जिपर मॉडल, उसके बाद हेलिक्स टर्न हेलिक्स, हेलिक्स लूप हेलिक्स के बारे में पढ़ा है, और इसमें हम देखेंगे जिंक फिंगर मोटिफ। इन जिंक फिंगर मोटिफ इसमें जो जिंक आयन है वो इन्वॉल्व रहता है, जिंक आयन इन्वॉल्व रहता है, इसीलिए उसका नाम क्या है, जिंक फिंगर मोटिफ। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जिंक फिंगर मोटिफ क्यों कहते हैं और उसका नाम कैसे पड़ा। ओके, तो इन जिंक फिंगर मोटिफ ये कोऑर्डिनेटली डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है, कोऑर्डिनेट करता है, जिंक आयन जो है वो कोऑर्डिनेटेड बाय डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, उसको हम क्या कहते हैं, जिंक फिंगर मोटिफ। क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेटेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, ओके, उसको हम क्या कहते हैं, जिंक फिंगर मोटिफ कहते हैं। ओके, तो इसमें लगभग 30 अमीनो एसिड सीक्वेंस का एक फिंगर रहता है। फिंगर मींस क्या, कि जो हमारी फिंगर है उसके जैसा जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ओके, जो 2D स्ट्रक्चर है। जब जिंक फिंगर मोटिफ के बारे में पढ़ रहे थे तब उन्होंने 2D स्ट्रक्चर है, 2-डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जो जिंक बाइंड हुआ है, ओके, 2-डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जब जिंक प्रोटीन में जो बाइंड होता है, टेट्राहेड्रल, ओके, टेट्राहेड्रल इन जिंक क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है टेट्राहेड्रली विद सिस्टीन एंड हिस्टिडीन में, ओके। तो उस टाइम पे 2-डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है, 2-डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स जो है, प्रोटीन्स और पेप्टाइड जो है वो प्रोटीन और पेप्टाइड कैसे दिख रही थी, फिंगर के जैसे दिख रही थी, पेप्टाइड इन 2-डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। उसके बाद इन 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हम क्या बोलते हैं उसको, 3D स्ट्रक्चर में, ये 2D स्ट्रक्चर में दिखा उन्होंने, और 3D स्ट्रक्चर में उन्होंने क्या देखा कि 3D स्ट्रक्चर में उन्होंने स्पेसिफिकली जो जिंक आयन है, वो जिंक आयन क्या होता है, अमाइनो एसिड जो है, जैसे कि सिस्टीन और हिस्टिडीन, ओके, सिस्टीन एंड हिस्टिडीन जो अमाइनो एसिड है, उस अमाइनो एसिड को वो टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेट हो चुका है, ऐसे उन्होंने 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर में देखा, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा, जिंक फिंगर मोटिफ। ओके, तो इसमें लगभग इन यूकैरियोटिक जब फर्स्टली जिंक फिंगर मोटिफ डिस्कवर हुआ इन यूकैरियोटिक सेल में, तो कब जिंक फिंगर मोटिफ यूकैरियोटिक्स में, यूकैरियोट्स में जिनोफर्स, ओके, जिनोफर्स ये जो एक फ्रॉग का जीनस है, ओके, फ्रॉग, फ्रॉग में जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TF3A, ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए जो 5S rRNA को ट्रांसक्राइब करने के लिए हेल्प करता है, उसको वो रिकॉग्नाइज करता है, ओके, वो फर्स्टली डिस्कवर हुआ जिंक फिंगर मोटिफ। ओके, तो हम जो जनरली स्टडी करते हैं यूकैरियोटिक सेल में, जो जिनोफर्स में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3A ये क्या है, जिंक फिंगर मोटिफ टाइप का प्रोटीन है, ओके, जो डीएनए को बाइंड करता है। इन TF3A प्रोटीन और जिंक फिंगर मोटिफ में
क्या है, लगभग 30 अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो है वो क्या है, वन फिंगर में प्रेजेंट रहती है, प्रेजेंट इन वन फिंगर। ओके, तो उसमें जो कॉन्सेंसस सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है, जिसमें हमने क्या देखा, मोस्ट कॉमन टाइप क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हमने यूकैरियोटिक सेल में देखा, तो सिस्टीन टू ओके C2 और H2 टाइप का जो जिंक फिंगर मोटिफ है वो क्या है, कॉमनली है और फर्स्टली वो डिस्कवर्ड हुआ है। तो इसमें जो कॉन्सेंसस सीक्वेंस प्रेजेंट है तो लगभग 23 टू 26 रेसिड्यू कॉन्सेंसस सीक्वेंस है। ओके, और वो कॉन्सेंसस सीक्वेंस क्या है, वो कॉन्सेंसस सीक्वेंस है 16X24 16X5 फिनिलएनिलीन X3 ल्यूसीन X2 और हिस्टिडीन X3 और हिस्टिडीन, इस टाइप की कॉन्सेंसस सीक्वेंस प्रेजेंट है। ये जो कॉन्सेंसस सीक्वेंस जो है वो जनरली जिंक मोटिफ में और जिंक फिंगर मोटिफ में प्रेजेंट है, कहां पे, इन यूकैरियोटिक्स में, और उसका अपोजिट है इन मैमेलियन सेल और मैमल्स में क्या है, मैमल्स में जो स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड रिसेप्टर में जो जिंक फिंगर मोटिफ प्रेजेंट है वो कैसा है, 16 है। ओके, ओनली 16, 16-2 और 16-2 हिस्टिडीन वहां पे क्या रहता है, अब्सेंट रहता है। तो उसका जो कॉन्सेंसस सीक्वेंस जो है वो क्या रहता है, 16X2 16X3 16X और 16। ओके, ये क्या है, ये स्टेरॉइड्स में प्रेजेंट रहता है। ओके, ये कॉन्सेंसस सीक्वेंस जो सेकंड क्लास है, जो सेकंड क्लास, ये क्या है, सेकंड क्लास, और ये फर्स्ट क्लास का जो जिंक फिंगर मोटिफ है उसमें ये कॉन्सेंसस सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है। तो हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं जिंक फिंगर मोटिफ का। तो जिंक फिंगर मोटिफ में जो फर्स्ट क्लास है उस क्लास में लगभग 12 और 12 अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट रहते हैं, 12 अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट रहते हैं और 1 बीटा शीट प्रेजेंट रहता है, बीटा शीट। तो ये जो बीटा शीट है, ये बीटा शीट क्या करता है, रैंडमली कहां पे भी प्रेजेंट रहता है। तो उसका स्ट्रक्चर देखो, उसमें लगभग 12 अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट रहते हैं ओके। तो ये क्या हुआ, NH2 और ये COOH। ओके, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये जिंक फिंगर मोटिफ का है। तो यहाँ पे सेंट्रल में जिंक आयन प्रेजेंट रहता है और यहाँ पे 16 और यहाँ पे भी 16 और जो सेकंड है वहां पे हिस्टिडीन
और यहाँ पे भी हिस्टिडीन। तो ये कोऑर्डिनेट होता है, ये जिंक क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है टेट्राहेड्रली। ओके, इन फर्स्ट क्लास और जिनोपस में जो हमने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर देखा है, तो वहां पे ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जिंक फिंगर मोटिफ। तो उसका जब 2D स्ट्रक्चर देखा, तो तब उसका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखा, इसीलिए हमने उसको नाम दिया, और उन्होंने उसको नाम दिया क्या, जिंक फिंगर मोटिफ। और उस इन मैमल्स और सेकेंड क्लास में यहाँ पे जो हिस्टिडिन है, ये जो हिस्टिडिन है वो रिप्लेस होता है सिस्टीन से। ओके, सिस्टीन से रिप्लेस होता है, और हम उसको क्या कहते हैं, स्टेरॉइड कहते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, स्टेरॉइड्स। और ये जो है वो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वाला फॉर फर्स्ट क्लास। ओके, ये हुआ जिंक फिंगर मोटिफ के बारे में। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।